सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इस घंटी को दबा दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। तो आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहली खबर की ओर बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब के परपोते ने मस्जिद में जाके पढ़ी नवाज, कहा CAA और NRC बिल को भारत में नहीं होने देंगे लागू, जिसके बाद सिंगियों को लगा तमाचा। अगली खबर की ओर बात करते हैं। ईरान के कुदस बल के जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में मौत, इसमें 7 अन्य लोग मारे गए हैं जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी साहब भी शामिल थे। अब ईरान में लोग कर रहे हैं प्रदर्शन और अमेरिका से बदले की मांग कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूँ ईरान सरकार ने भी कड़े संदेश दिए अमेरिका को, कहा है आपने हमारे 8 लोगों को मारा है और हम इसका बदला लेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं ईरान और अमेरिका में काफ़ी समय से अच्छी नहीं चल रही है स्थिति, कई बार युद्ध होने से भी बचा है, लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने बहुत प्रतिबंध भी लगाए हैं लेकिन ईरान अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार संघर्ष कर रहा है। अगली खबर की ओर बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA बिल वापस लेने से किया इनकार, कहा ये कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देता है। जोधपुर में उन्होंने ये बातें कही। अगली खबर की ओर बात करते हैं। दिल्ली के शहीन बाग में CAA और NRC बिल को लेकर नहीं थम रहा है विरोध प्रदर्शन। 50 से 60 साल की बुजुर्ग महिलाएं और 10 साल के बच्चे रातों भर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। इतनी ठंड में सरकार के सिर पर नहीं निग रही है जू। अमित शाह ने जोधपुर में फिर से कहा कि CAA और NRC बिल को नहीं लेगी सरकार वापस। अगली खबर की ओर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर फिर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। जैसे कि आप जानते हैं धारा 370 हटने के बाद वहाँ आम भारतीय नागरिक जमीन खरीद सकता है, रह सकता है, लेकिन नौकरी नहीं ले सकता। ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि नौकरी लेने के लिए आम भारतीयों को वहाँ 15 साल तक रहना होगा। 15 साल पहले तक का वो रहने वाला निवासी हो जम्मू कश्मीर का, तभी उसको नौकरी दी जाएगी और उसके बच्चे को नौकरी दी जाएगी, अन्यथा नौकरी नहीं मिलेगी किसी आम भारतीय नागरिक को जम्मू कश्मीर में। तो ये बहुत बड़ा फैसला है मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर के भाई बहनों के लिए। अगली खबर की ओर बात करते हैं। राजस्थान के कोटा में अस्पताल में हुई बच्चों की मौत, जिसके बाद केंद्र सरकार ने किया है नोटिस जारी। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भी पहुंचे अस्पताल में लोगों से मिलने के। अगली खबर की ओर बात करते हैं। किस तरह से प्याज के दाम छू रहे थे आसमान, लेकिन तुर्की से प्याज आने के बाद प्याज के दामों में काफ़ी मात्रा में हुई गिरावट। अब प्याज 50 से 70 रुपया प्रति किलो बिक रहा है, जबकि उससे पहले 100-120 रुपये किलो बिक चुका है प्याज। अगली खबर की ओर बात करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम अब भी नहीं हो रहे हैं कम। 2019 के बाद 2020 में भी बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, लोग सोच रहे थे कि 2020 में होंगे पेट्रोल डीजल के दाम कम। वहीं मैं आपको बता दूं दिल्ली में पेट्रोल 76.52 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल 68.52 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। असुद्दीन ओवैसी आज करेंगे संगारेड्डी अंबेडकर स्टेडियम में NRC, NPR और CA बिल के विरोध में जनसभा को संबोधित। 6 बजे पहुंचेंगे ओवैसी। अगली खबर की ओर बात करते हैं। योगी सरकार का PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक मुस्लिम संगठन है भारत का, इसको लेकर लगाएगी केंद्र सरकार इस पर प्रतिबंध। योगी सरकार ने केंद्र को भेजा नोटिस प्रतिबंध लगाने के लिए, कहा कि NRC और CA बिल को लेकर जो उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई उसमें PFI का हाथ है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारतीय किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की 2 किस्तें आई थी, यानी 4 हज़ार रुपये आए थे उनके खाते में, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के खाते में ये पैसे नहीं आए थे। तो अगर वो अब इन पैसों का लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ उन्हें क्या करना होगा। उन्हें अपने बैंक अकाउंट नंबर को ले आना होगा, यानी बैंक अकाउंट की किताब और खतरा खतौनी, आधार कार्ड, इतनी चीज़ें ले जाकर वो ऑनलाइन ना कराएं, जनसेवा केंद्र पे जाके तहसील में लेखपाल को दें, जिसके बाद उनके पैसे आ जाएंगे। अगर उन्होंने जनसेवा केंद्र पे जाके ऑनलाइन कराया तो उनके पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी फार्म ऑनलाइन किए जा रहे हैं अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके पेंडिंग में पड़ जाते हैं और उन किसान भाइयों के पैसे नहीं आ रहे हैं, उनके ऑनलाइन के पैसे भी ख़राब जाते हैं। तो वो तहसील में जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ
और अपना वेरिफिकेशन करवाएं, उसके बाद उनके खाते में जो 2,000 रुपए की मोदी सरकार ने जो स्कीम लागू की है वो आ जाएंगे उनके खाते में पैसे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें और कॉमेंट करके हमें बताएँ।